लेट मी शो यू योर बिजनेस डोमेन नेम आपको एक अपने बिजनेस का डोमेन नेम चाहिए सिक्योरिटी फॉर योर प्लेटफॉर्म होस्टिंग सर्वर्स हाई वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस इन दिसंग टू डिस्कस अबाउट रिक्वायरमेंट फॉर योर प्लेटफॉर्म आपको अपने बिजनेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि आपकी बिजनेस को क्या क्या नीड है किस टाइप का प्लेटफॉर्म आपको चाहिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है सो लेट मी शो यू बिजनेस डोमेन नेम चाहिए डोमेन नेम क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी फॉर योर प्लेटफॉर्म आपको एक सिक्योरिटी uh, का एस एस एल का एक सर्टिफिकेट चाहिए जो आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट रखता है और गूगल उसको प्रिफर ज्यादा करता है जिन uh, जिस वेबसाइट पर एस एस एल होता है ठीक है होस्टिंग सर्वर्स आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए कुछ सर्वर चाहिए कुछ होस्टिंग स्पेस चाहिए होस्टिंग स्पेस जो कंप्यूटर ऑनलाइन रहते हैं पे पे आपको अपने वेबसाइट के लिए स्पेस रेंट पे लेनी पड़ती है ठीक है तो ये आपको रेडी करना है और बाकी आ, यो कंटेंट आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक कॉन्टेंट रेडी करके रखना है जो मैं अभी आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोड एडी होपफुली आपने नाम सुना ही होगा अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमेन होस्टिंग सिक्योरिटी अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर आपको डोमेन चाहिए डोमेन क्या होता है आपके बिजनेस को इंटरनेट पे एक यूनिक आई एक यूनिक आईपी एड्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है ठीक है आपके बिजनेस को एक यूनिक आईपी चाहिए होता है मतलब आपका बिजनेस उसी नाम से जाना जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम गो आईडी की बात करें तो ये गो डॉट कॉम अगर आप ओपन करेंगे तो इन्हीं की वेबसाइट ओपन होगी ठीक है इस यूनिक डोमेन नेम पे ऐसे ही आपको अपने बिजनेस के लिए एक डोमेन नेम चूज करना है अपने बिजनेस के नाम से फॉर एग्जाम्पल लेट मी चूज वन डोमेन वुड डॉट कॉम देखिये यहाँ पे ये आपको सर्च करके बता रहा है कि ये दो, ये डोमेन कितने का है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है क्योंकि ये प्रीमियम है लेकिन अगर आप जाते हैं जैसे कि कुछ और इससे रिलेटेड सर्च करते हैं जैसे वर्ड्स पैक डॉट कॉम लेते हैं तो वो थ्री नाइन नाइन में आपको अवेलेबल हो रहा है ठीक है और यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं अपने डोमेन से मतलब अपने बिजनेस नेम से रिलेटेड जितने भी डोमेन है आप यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं जब आप यहाँ पे डोमेन अपना परचेस कर लेंगे और यहाँ से अपना एड टू कार्ड कर लेंगे जस्ट लाइक अः प्रोसेस जो सेम प्रोसेस होता है जैसे कि ई e कॉमर्स में जब आप फ्लिपकार्ट uh, वगैरह से कुछ भी परचेस करते हैं उसी की तरह का प्रोसेस होता है एंड लेट मी शो यू द होस्टिंग देखिए होस्टिंग में इनके पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं वेब होस्टिंग बिजनेस होस्टिंग गोडेडी वेबसाइट बिल्डर तो अगर मैं आपको वेबसाइट होस्टिंग का अमाउंट दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे स्टार्टर अगर आप एक वेबसाइट अपनी लॉन्च कर रहे हैं तो आपको इतना अमाउंट पर पे करना है आप अगर ज्यादा स्पेस लेते हैं तो आपको इतना अमाउंट पे करना है तो इस हिसाब से आपको ईयरली पे करना है आपको इस हिसाब से ईयरली पे करना है तो ये आप देख सकते हैं ये चार्ज आपको अलग से लगेगा अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एस सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा अब एस में आप देख सकते हैं कि इतना चार्जेस प्रोटेक्ट वन वेबसाइट का जो चार्जेस है वो ये है प्रोटेक्ट मल्टीपल वेबसाइट का जो चार्जेस है वो ये है तो आप देख सकते हैं कि ये चार्जेस जो हैं ये हमारे अगर हम लेते हैं तो ये ईयरली के हिसाब से लगते हैं और अप्रोक्स अप्रोक्स अगर एक वेबसाइट के लिए मान के चले तो थ्री टू फोर थाउजेंड रुपीज में सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं तो ये है हमारे थर्ड पार्टी चार्जेस जो आपको जरूरत पड़ती है और अगर मैं अब कंटेंट की बात करूं सो लेट मी शो यू द सेम वेबसाइट दैट आई ओपन बिफोर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जितना भी कंटेंट आप देख रहे हैं जैसे कि जो भी आपकी सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड आपको कंटेंट रेडी करना है ये आप देख रहे हैं जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ये सब आपको रेडी करना अपनी वेबसाइट के लिए अपनी सर्विसेज सर्विसेज uh, के रिगार्डिंग अगर आपको ये रेडी करना नहीं आता तो एजेंसीज आपकी हेल्प करती हैं ये सारा कंटेंट रेडी करने में कंटेंट राइटर आपकी हेल्प कर सकते हैं फ्रीलांसर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं ये आपके लिए रिक्वायरमेंट्स है ठीक है Uh, अगर मैं कोई रिक्वायरमेंट भूल गया हूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको ऐड कर दिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंसेस फॉर वन ईयर अभी तक हमने रिक्वायरमेंट जो थर्ड पार्टी चार्जेस थे वो देख लिए तो अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सपेंसिस फॉर वन ईयर सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगर मैं कोई अः uh, रिक्वायरमेंट भूल गया हूं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में एड कर दिए जाते थैंक यू सो मच